यार बहुत शानदार बहुत शानदार। कराची की मछली इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिन का सेल 400-500 किलो इस छोटी सी दुकान में हम सेल करते हैं। मैं खाना इसकी वजह से जो है ना मछली का आता है ना कि इसके चकरी का जायका अच्छा है ना। बहुत मशहूर है बन्नू में, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वकास अली शाहानी जनाब तक नवी वीडियो वेलकम करेंदा है। बन्नू दे लोगों की मोहब्बत साकू एक दफा वत बन्नू छिगी नहीं है। बन्नू दे सारा जो मशहूर चाय बाजार दे विच मौजूद है प्रिंस मछली हाउस से। इन्हों की मछली जी है सारा चू कदीम है ते सारा चू खास गाल बहुत मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीमुल्ला है और मैं प्रिंस मछली हाउस बन्नू चाय बाजार में हमारा काम है और ये तकरीबन मेरे बाप दादा के टाइम का कारोबार है और यहाँ पर तकरीबन हम जो है ना कराची की मछली इस्तेमाल करते हैं। बात ये ना कि मैं तकरीबन ये कम से कम ये 3 साल से ये चीज़ में कर रहा है, इधर आता है ना, बहुत अच्छा स्पेशल चीज़ बनाते हैं। आप लोग ने खुद भी देख लिया है, जायका बहुत अच्छे है। हाँ ये मछली जो है ना मैं खाना इसकी वजह से जो है ना मछली का आता है ना कि इसके चकरी का जायका अच्छा है ना। टाइमिंग हमारा जो है ना सुबह सवेरे से लेकर रात के 9 बजे तक हमारी दुकान खुली रहती है और हमारे दुकान पर रश एनी टाइम हर टाइम रश भी होता है और लोग बहुत दूर दूर से हमारे पास आते हैं। ये इन्हों का वो खास मसाला है जरा तुसा देते पे वे सारी टेस्ट जायके दी जरी गेम है ना ये मसाला उगवान करेंदा है ते जरे स्टाइल दे नाल ये भाई जरा है ना ये फिश बनेने मैं तो को आता क्या बात है क्या बात है। इन्हों का तरीका देखते ते मसाला लावण दी सारी जरी कारवाई है ना इको देखते पता लगता है जो भाई ये बहुत लजीज फिश हो सी यार। वाकई बन्नू दी नो डाउट ये बहुत ही जायकेदार बहुत ही शानदार फिश है, क्या बात है। मेरे तरफों हाईली रिकमेंडेड है। जिमें थर्ड डे तो जिमें ई टाइम दिसंबर दी सर्दी जरा है वो असर दिखेंदी पई है तो ये फिश जी है ये मस्ट ट्राई करो। इन्होंने जी नाल इन्होंने चटनी बड़ी हुई है ना सारा कम ये चाहती पई है। 10-12 साल से हम ये मछली कर रहे हैं। प्रिंस मछली बहुत मशहूर है बन्नू में, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सबसे डंगरा और सिंगारा मछली बहुत पसंद है इसकी, ये बहुत मशहूर है। मैं कलीम भाई से ना अभी एक राज की बात पूछने वाला हूँ कि आपका जो जायके का जो राज है ना वो आपकी जो चटनी है उसके अंदर छुपा है। ये चटनी जो है इसमें आलू बुखारा होता है, इसमें इमली का पानी होता है, अनारदाना होता है, पुदीना होता है और वो कई थोड़े और मिसाले हैं वो भी मिक्स करके स्पेशल बनाई जाती है। और ये 40 साल से हम यही चटनी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें कोई रद्दबदल हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो कारोबार है इसी के साथ रिलेटेड है और लोग इसी के लिए आते हैं। हमारा दिन का सेल 400-500 किलो इस छोटी सी दुकान में हम सेल करते हैं और ये डेली बेस पर ये तकरीबन 500 kg हम बेचते हैं। व्यूअर्स 500-600 kg कहना आसान है बट उसको इस सेटअप पे एक दिन में सेल करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप बन्नू आए मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा चाय बाज़ार ज़रूर आएँ और प्रिंस मछली को नाम याद कर लें, अपने पास सेव कर लें, इस वीडियो को सेव कर लें। ये फ़िश एक मरतबा आपने ज़रूर खानी है, आप मुझे भी याद रखेंगे फ़िश के साथ साथ। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने प्रिंस मछली चाय बाज़ार बन्नू में आपने भी खाई है तो कमेंट्स में बताएं ताकि और लोगों को पता चले कि ये लोगों को किस तरह से पसंद आती है और क्यों पसंद आती है, ये वजह ज़रूर बताइएगा। बन्नू के जो लोग हैं उनकी जो मोहब्बत है, उनकी जो जज्बा है, खलूस है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सबसे जब मैं इन बाज़ारों में मुलाकात कर रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है। वकास अली शानी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह नेकबा।